सो वेलकम गाइस टू माय चैनल शामिल गेमिंग। आज मैं दिखाने वाला हूँ टॉप माइनक्राफ्ट सीक्रेट जो प्रो प्लेयर्स ओनली जानता है। मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि आप नहीं जानते, शायद से कुछ कुछ जानते होगे, कुछ कुछ नहीं जानते। तो शुरू करते हैं। पहला ट्रिक, ट्रिक नंबर वन, अगर आप चेस्ट खोलते हो तो आपको पूरा स्क्रीन कवर कर देता है, जो कि माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में ट्रिक्स दिखा रहा हूँ, तो पूरा स्क्रीन कवर कर जाता है ऐसे। और चेस्ट, क्राफ्टिंग टेबल या कुछ भी खोलोगे तो पूरा स्क्रीन ही कवर कर जाता है। अगर आप चाहते हो कि माइनक्राफ्ट विंडोज़ की तरह यहाँ पे सेटिंग्स में लाए, तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा वीडियो में, यहाँ पे सेटिंग में, और यहाँ पे करना होगा यहाँ से पॉकेट से क्लासिक। तो आप यहाँ पे ये हार्ड भी यहाँ पे ला सकते हो और यहाँ पे भी छोटा कर सकते हो इसको, मतलब बैकग्राउंड में देखने के लिए। तो अगर कोई मॉब्स आपको, मतलब कुछ बनाने के टाइम पे मॉब्स आ गया तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड में यहाँ पे। तो ये बहुत हैंडी भी है, जो कि माइनक्राफ्ट पीसी में शायद से ये अच्छा दिखता है। तो बढ़ते नेक्स्ट सीक्रेट, जो नंबर दो सेटिंग है, दो नंबर सेटिंग वो है, यहाँ पे आप एक पेपर डॉल ला सकते हो, जो कि आपका खुद का कैरेक्टर आएगा, जो कि दिखने में अच्छा लगता है गेम में। उसके लिए पहले आपको जाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है, तो जाना पड़ेगा पहले, अरे खुल जाना, हाँ, तो वहाँ पे वीडियो में जाना पड़ेगा। और यहाँ पे हाइट पेपर डॉल का जो ऑप्शन ऑन है उसको ऑन करना पड़ेगा, मतलब इनेबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका एक डॉल दिखाई देगा, जो भी आप करोगे यहाँ पे दिखाई देगा। देखो जैसे मैं उछल रहा हूँ तो उछलने से गायब हो जाए। अब जो भी करोगे तो सब यहीं पे दिखाई देगा, आप चलोगे तो यहीं पे दिखाई देगा, स्पिन करोगे तब भी यहीं पे दिखाई देगा। नंबर थ्री में जो है वो है रेंडर डिस्टेंस, मतलब आप यहाँ से खड़े होकर आप दूर वो माउंटेन तक ही देख पा रहे हो, और यहाँ पे वो पेड़ अच्छे से देख पा रहे हो, और यहाँ पे तो गार्ड है इसलिए। तो अगर आप रेंडर डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो थोड़ा और दूर तक देख पाओगे, इसलिए आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा और वीडियो में, और एकदम नीचे जाके आपको यहाँ पे रेंडर डिस्टेंस पूरा फुल करना पड़ेगा 18 पे। तो अभी देखो दूर दूर तक दिखाई दे रही, यहाँ पे पेड़ तक ही दिखाई दे रहा था, अभी देखो, और यहाँ पे भी देखो, और वो माउंटेन दूर ही इसलिए थोड़ा डिटेल्स में दिखाई दे रहा है। तो यही था। अभी अगला सेटिंग है स्क्रीनशॉट। तो अब अगर स्क्रीनशॉट ले सक लेते हो माइनक्राफ्ट में ऐसे, तो आपको ये सब भी देखना पड़ता है स्क्रीनशॉट में, ये सब भी। तो आप चाहो तो ये सब भी हटा सकते हो, उसके लिए पहले आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा और वीडियोस में जाके यहाँ पे हाइट HUD को ऑन करना पड़ेगा। तो आप बैकग्राउंड में जा सकते हो, आ भी सकते हो, पर यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखाई देगा सिवाय इसको छोड़ के, इसको भी हटा सकते हो। तो आप बैकग्राउंड में कुछ भी कर सकते हो, जा सकते हो, आ सकते हो, पर हेल्थ बार वगैरह नहीं दिखाई देगा, तो स्क्रीनशॉट लेने में आसानी होगी इसमें। अगला सेटिंग ये है कि अगर आपके हाथ में ये है तो आप हाथ भी नहीं दिखा सकोगे, और हाथ में जो सामान है जैसे कि डट वो भी नहीं दिखा सकोगे। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, सेटिंग में जाना पड़ेगा और यहाँ पे करना पड़ेगा वीडियोस में, तो हाइड हैंड का ऑप्शन को इनेबल करना पड़ेगा। तो आपके हाथ में ये सामान है डट, लेकिन आपका हाथ में नहीं दिखाई देगा, सामान भी नहीं दिखाई देगा, तो आप सामने की चीज़ को आसानी से देख पाओगे ऐसे। अगला जो सेटिंग है वो है पे, आप अगर किसी ब्लॉक का ऐसे क्लिक करते जाओगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ ब्लॉक ही वाइट लग रहा है, मतलब थोड़ा ज़्यादा मतलब ब्राइटनेस ब्राइटनेस है वहाँ पे। तो अगर चाहते हो कि यहाँ पे एक आउटलाइन आ जाए तो आपको करने का पड़ेगा, सेटिंग में जाना पड़ेगा और यहाँ पे वीडियोस के ऑप्शन में जाके नीचे जाके, सॉरी यहाँ पे, तो आउटलाइन सिलेक्शन को ऑन करना पड़ेगा। तो अभी आप किसी ब्लॉक को क्लिक करोगे तो देखो साइड में एक बॉर्डर आ रहा है ब्लैक ब्लैक, तो ये इसका सेटिंग सेटिंग है। अगर आपको चाहिए तो मतलब आपके मतलब पास रहो किसी चीज़ के तरफ और लगे कि वो दूर है, इसके लिए आपको करना पड़ेगा, मैं शायद से बता नहीं पाया, फिर आप देख लो। तो अगर पास के चीज़ का आपको दूर लगाना चाहिए तो उसके लिए पहले आपको, सॉरी, यहाँ पे ये पॉप POV को आपको बढ़ा देना है, जितना बढ़ाओगे पास के चीज़ उतना दूर लगेगा, देख सकते हो बैकग्राउंड में। देखो अभी मैं इतना पास ले आऊँ बैकग्राउंड में, यहाँ पे देख सकते हो, सॉरी, और देखो लग रहा है कि वो बहुत दूर है, पर मैं यहाँ से इसको खोल सकता हूँ और मैं इसके पास जाऊँ तो इसके ऊपर भी आ सकता हूँ। लग रहा है कि बहुत दूर है,
आप इतना पास भी ला सकते हो और इतना दूर भी कर सकते हो चीज़ें को, लगेगा कि आपको बहुत दूर है लेकिन पास ही हो। जैसे कि मैं यहाँ से खोल सकता हूँ चेस्ट को, जो सेटिंग है वो है आपको यहाँ पे बीच में एक एरो देखने को, जब एरो छोड़ते हो तब एक बीच में प्लस मतलब साइन आता है, आप हमेशा के लिए ला सकते हो। उसके लिए आपको टाच वाला जाना पड़ेगा उसमें और स्प्लिट कंट्रोल को ऑन करना पड़ेगा। तो आप जब भी खेलोगे तो एक एरो आएगा, जो कि आप बिना मतलब एरो मतलब साइन, जब आप एरो चलाते हो तो तब ये आता है। लेकिन आप इसको ऑन करके साइड के ब्लॉक में क्लिक नहीं कर सकते, जहाँ पे भी क्लिक करोगे मिडिल ब्लॉक में ही होगा जहाँ पे एरो आएगा। तो देखो मैं मिडिल ब्लॉक को क्लिक मतलब ऐसे क्लिक करके मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, लेकिन टूट गया ही। तो इसका एक फ़ायदा भी और एक नुकसान भी, आप वहीं पे लाना पड़ेगा। और क्लिक करने के लिए भी देखो क्लिक क्यों नहीं हो रहा, और मैं दूर में हूँ। हाँ देखो मैं यहाँ पे क्लिक किया और लगा उसको, तो ऐसे आप यूज़ भी कर सकते हो इसको। अभी अगला सेटिंग है लेफ्ट के लिए, जो लेफ्ट हैंड यूज़ करता है तो उन लोग के लिए। ओ सेटिंग में जाने के लिए पहले सेटिंग में जाना पड़ेगा, उसके बाद टच में जाके यहाँ पे लेफ्टी को ऑन करना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, इधर का चीज़ इधर कर देता है, इधर का चीज़ इधर कर देता है। तो आप लेफ्टी जो लोग लेफ्ट हैंड में खेलते हैं उन लोगों को लिए आसानी होगी गेम खेलने में। तो इतना ही सेटिंग था, और शायद से कुछ छूट गया तो मालूम नहीं, तो बता देना कमेंट में कुछ छूट गया हो तो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले गेमिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।